नमस्कार, आप देख रहे हैं नाइन तक बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नगर निकाय चुनाव से जुड़ी। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को शेड्यूल जारी कर दिया है। बिहार में दो चरण में निकाय चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। पहले चरण के लिए 18 दिसंबर को वोटिंग होगी और इसकी मतगणना 20 दिसंबर को कराई जाएगी, जबकि दूसरे चरण के चुनाव के लिए 28 दिसंबर को मतदान होगा और 30 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। बता दें कि 4 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने बिहार में चल रहे नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दिया था। पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों को आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने सबसे ज़्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जताई थी। हाईकोर्ट ने बिहार का राज्य निर्वाचन आयोग को अपने संवैधानिक जिम्मेदारी का पालन करने में विफल बताया था। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई पूरी कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट को इस मामले में जल्द सुनवाई कर फैसला सुनाने को कहा गया था। 4 अक्टूबर 2022 को इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और एस कुमार की बेंच ने अपना फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका बिहार सरकार ने पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में अति पिछड़ों और के आरक्षण पर तत्काल रोक लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से कहा था कि उसने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिछड़े के आरक्षण के लिए तय ट्रिपल टेस्ट का प्रक्रिया पूरा नहीं किया है। तमाम खींचतान और उठापटक के बाद आपको बता दें कि यह निकाय चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बता दें आपको कि नगर विकास विभाग ने बिहार निर्वाचन आयोग को प्रतिवेदन सौंपी है, जिसकी पूरी रिपोर्ट डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट है जो आज सौंपी गई है, जिसके बाद निकाय चुनाव के तारीखों का घोषणा कर दिया गया है। और आपको बता दें कि अब 18 दिसंबर पहले चरण का चुनाव होगा और 20 दिसंबर को उसकी मतगणना की जाएगी। आपको बता दें कि 28 दिसंबर को चुनाव सेकेंड फेज का होगा और 30 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। यानी यह बिल्कुल साफ है कि नगर निकाय चुनाव अब शेड्यूल जारी कर दिया गया है और 18 और 28 तारीख को दो चरणों में चुनाव होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नाइन तक बिहार लेकर आया है सबसे पहले और सबसे तेज। जो लोग खबर को देख रहे हैं कम से कम लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस तरह की जो भी खबरें हैं सबसे पहले नाइन तक बिहार आपकी सेवा में लेकर आता है। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सलाम।